हेलो दोस्तों, सरोज अकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आलू और मेथी की एकदम ऐसी नई रेसिपी, खाकर आपको मजा आ जाएगा। तो फिर चलिए ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। मेथी की एकदम नई रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हरी मेथी ली है, और ऐसा आपको साफ कर लेना अच्छे से, क्योंकि इसमें मिट्टी कण वगैरह रहते हैं, थोड़ी सी ऐसे रफ सी घास भी आ जाती है, तो ऐसे देखकर आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। और इसे कट करने का तरीका क्या है, अपन ऐसे पीछे से इसे इक्वल करेंगे, एक बार ऐसे कट कर लेंगे, इसे ये इक्वल हो जाएगी, और इसको अपन ऐसे छोटे छोटे कट कर लेंगे जो ये पार्ट रह गया है, क्योंकि ये ऊपर नीचे रहती है तो फिर इक्वल कट नहीं होती है। उसके बाद ऐसे छोटी छोटी साइज में अपन कट कर लेंगे। सारी मेथी आपको ऐसे कट कर लेनी है, और यहाँ पर आपको ज्यादा क्वांटिटी में मेथी लग रही होगी कट की हुई, लेकिन ये पकने के बाद थोड़ी कम हो जाती है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मसाले में 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच टर्मरिक पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करेंगे, और ज्यादा कुछ जैसे लहसुन प्याज इनके अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे सुखाने के बाद ये कसूरी मेथी बनती है, ये अपने आप ही एक फ्लेवर है, तो इसमें लहसुन प्याज की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे ये सिंपल, जितना सिंपल बनाएंगे ये उतनी ज्यादा टेस्टी बनेगी। और आपको आलू ऐसे छोटी छोटी साइज में कट कर लेना है, चाहे तो आप छिलके सहित भी कट कर सकते हो, या छिलका उतार के भी इन्हें कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर छिलका उतार कर इसे कट कर लिया है, और इतना पानी डाला है कि ये इसमें बॉयल हो जाए। जितनी ज़्यादा आप छोटी साइज में कट करोगे आलू, ये उतनी ही जल्दी बॉयल हो जाएंगे। और इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करके इन्हें बॉयल करेंगे। आलू अपने बॉयल हो चुके हैं, अब नीचे से गैस बंद कर देंगे, और एक बर्तन लेकर इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आप 400 सोयाबीन का ऑयल ऐड कर सकते हो, और इसे गरम करेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने जीरा लिया है, और कुछ ज्यादा चीजें ऐड नहीं करनी है आपको, बस जीरा लेना है। तेल जैसे ही गरम होगा इसमें अपन ये डालेंगे, और जीरे को तड़कने देंगे। जीरा जैसे ही तड़कना स्टार्ट होगा, ये अपन ने जो मसाला तैयार किया है वो सारा का सारा इसमें डाल देंगे और पकाएंगे। पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये देखिए थोड़ा मेथी में ही पानी होता है, तो इससे अपना ये जो मसाला अपन ने ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर, ये बिल्कुल भी जलेगा नहीं। और अब इसे पकाएंगे मिक्स करके। जैसे मैंने बताया था कि पकने के बाद ये देखिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी हो जाती है इस मेथी की, और ये अपना मसाला पककर तैयार हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे अपन ये जो अपन ने बॉईल किए हैं आलू, वो सारे इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। इसमें जो अपन ने ये सब्जी बनाया है, इसमें अपन थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लेंगे तो खाने का टेस्ट भी बढ़ेगा और खाया भी अच्छे से जाएगा। लेकिन आलू को ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, इतना ही मिक्स करना है कि इनकी शेप दिखे, वरना ये क्या होता है टूट टूट कर खिचड़ी बन जाएगी रेसिपी की। अपनी आलू मेथी की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, अब मैं नीचे से गैस बंद कर दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।